हेलो दोस्तों आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये सीएसआईआर के अंडर आता है दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये जॉब अपडेट इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स लोग के लिए जिनके पास एमएससी डिग्री है या जिन्होंने बी किया इन एनी फील्ड वो भी अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए भी पोस्ट है और सैलरी आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है और उसके साथ अलाउंस बेनिफिट भी मिल इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे अप्लाई करना है सेलेक्ट कैसे किया जाएगा कैंडिडेट्स को पोस्ट नेम एज लिमिट ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट एंड वेरीफाइड जॉब अपडेट्स देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करके तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के बारे में आपको पता चले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जॉब आपको मिल रहा है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एडवर्टीजमेंट नंबर 18/2021 टू कैंडिडेट्स को वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना है और ये जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में और वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिया हुआ है अलग अलग पोस्ट या प्रोजेक्ट के टाइटल या फील्ड के हिसाब से आप देख लीजिएगा मैं नोटिफिकेशन पी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब पोस्ट वेकेंसी क्वालिफिकेशन और सैलरी देख लेते हैं पहला प्रोजेक्ट एसोसिएट इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी एस सी करना एंड जूलॉजी एपिडियमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंटल साइंस एंड लाइफ साइंस और जो कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस है इन रिलेटेड फील्ड उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और स्टीपन आपको मिलेगा ट्वेंटी प्लस हाउस रेंट अलावेंस और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक दे दूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट इसका वैकेंसी है फाइव और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी या बीटेक करना है इन बायोलॉजिकल साइंस या एम फार्म इन फार्माकोलॉजी और जो कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस है इन रिलेटेड फील्ड उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और सैलरी मिलेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस हाउस रेंट अलाउंस नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट एसोसिएट है इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी करना है इन बायोटेक्नोलॉजी और जो कैंडिडेट्स को वन ईयर का एक्सपीरियंस है इन रिलेटेड फील्ड उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और सैलरी मिलेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस हाउस रेंट अलाउंस नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट वन इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन है आपको एम एस सी करना है इन लाइफ साइंस या एम फार्म करना इन फार्माकोलॉजी और इस पोस्ट के लिए भी जिसको ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा और सैलरी मिलेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस हाउस रेंट अलाउंस नेक्स्ट जो पोस्ट है उन लोग को अब वॉक इंटरव्यू का डेट है नाइन्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पहला है आप लोग का प्रोजेक्ट एसोसिएट वन इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी करना इन केमिस्ट्री और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस है और रिसर्च वर्क का नॉलेज है उन लोग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और सैलरी मिलेगा आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस हाउस रेंट अलाउंस नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी करना इन केमिस्ट्री और एक्सपीरियंस जिसका एन इन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और सैलरी मिलेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑनली नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वन ईयर का जिसका एक्सपीरियंस है इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसका भी स्टीपन है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ ऑनली नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट वन इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन आपको बी टेक करना इन केमिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी और जिनके पास एम टेक डिग्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग या है टेक्नोलॉजी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसका स्टीप है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस हाउस रेंट अलाउंस नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट वन इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी करना एंड केमिस्ट्री और जिसका स्पेशलाइजेशन है फिजिकल केमिस्ट्री उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसका स्टीप है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑनली नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट वन इसका वैकेंसी है टू और क्वालिफिकेशन है आपको एमएससी करना एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसको एक्सपीरियंस है इन रिलेटेड फील्ड दैट इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फ्लो केमिस्ट्री उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा स्टीपंड है थर्टी वन थाउजेंड ओनली नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट टू इसका वैकेंसी है वन और क्वालिफिकेशन है आपको एम करना है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टू ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिसको एक्सपीरियंस है इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और स्टीफन ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस हाउस रेंट अलाउंस नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट टू इसका वैकेंसी है टू और क्वालिफिकेशन आपको एमएससी करना इन केमिकल इंजीनियरिंग और टू इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस है इन प्रोसेस डेवलपमेंट उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और स्टीपन आपको मिलेगा ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस हाउसेंट एलावंस नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट टू इसका वैकेंसी है वन क्वालिफिकेशन आपको बी करना है इन एनी स्ट्रीम और टू ईयर्स का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्रियल in वर्क और जो कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया है इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या जिसको नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और स्टीपर्ड मिलेगा आपको ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस हाउस रेंट अलाउ और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है थर्टी फाइव फॉर एवरी पोस्ट और एज रिलैक्सेशन फॉर एस टी एस सी है फाइव ईयर्स ओ बी सी के लिए थ्री ईयर्स एंड पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए टेन ईयर्स और कैंडिडेट्स को पहले सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है उन लोग को इंटरव्यू के लिए बैठाया जाएगा और फिर उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा मेडिकल सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा मेनली कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर इंटरव्यू में जो लोग का परफॉर्मेंस हुआ है और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप लोग को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो कॉपीज भी लेके जाना है और जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दैट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स कैंडिडेट को रखा जाएगा या प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और कैंडिडेट्स को वॉक इन इंटरव्यू के टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट या एडवर्टीजमेंट में क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करके एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू लेके जाना है और जब कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएगा उन लोग को फोटो कॉपीज भी लेके जाए विथ औरजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे एज प्रूफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डी पे नहीं किया जाएगा जब वो लोग वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करेगा तब तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये सी एस आई आर के अंडर आता है दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लीजिएगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा स्टीपेंड भी बढ़िया मिल रहा है और अदर फैसिलिटीज भी है तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो एलिजिबल है इस जॉब के लिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट